आप देख रहे हैं आर ए टीवी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जय जय जंक्शन पे। जैसा कि आपको हमने बताया कि लगातार एक के बाद एक खबर बता रहे कि जय जय से लेके जो बीटी स्टेशन तक के महामोर्चा चालू, तो आप देख सकते हैं इसमें लाखों की संख्या में जनता मौजूद है यहाँ पे। कहीं ना कहीं जो ये सरकार है, बीजेपी की सरकार, उसके खिलाफ किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है, यहाँ हम आम जनता से बात करना चाहेंगे कि यहाँ इन लोग से बात करें, भाई आप इस मोर्चे में ये मोर्चे में आए हैं इसके लिए कि आपको मालूम है, मीडिया को भी सबको मालूम है कि महापुरुषों को बहुत सबको तकलीफ दे रहा है, नई नई शब्द सुनने को आ रहा है उनके बारे में, तो इसका धिक्कार करने के लिए हम लोग आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महामूर्छा में। जैसा कि आज महामूर्छा निकाला गया था महाविकास अखाड़ी की तरफ से, इस वक्त हमारे साथ मौजूद कांग्रेस के दिग्गज नेता असलम शेख, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये मूर्छे का उद्देश्य क्या है? महाराष्ट्र की जनता में कितना गुस्सा है, आप महापुरुषों का नाम किस तरीके से ले रहे हैं, किस तरीके से बार बार उनका मजाक उड़ा रहे हो, शर्म की बात है। ये आदर्श है, इस धरती पे उन्होंने जन्म लिया, वो दैवत है यहाँ के लोगों का, और इस तरीके के वो स्टेटमेंट करेंगे, बार बार करेंगे, कितनी गंदी बात है। सर, जो कंपनियाँ वापस चली गई है, क्या ये मूर्छे के बाद वो कंपनी वापस आ सकती है? देखो, इस महाराष्ट्र का छल कर रहे हैं, महाराष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं, महाराष्ट्र से सारा उद्योग जो है बाहर लेके जा रहे हैं, और ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट करेंगे, अलग अलग बातें करेंगे ताकि उस पर कोई चर्चा ना हो। सर, जो G20 सम्मेलन है था, उसमें पूरे मुंबई को ढाक दिया गया था, सिर्फ बताया गया था कि मुंबई एकदम, मतलब ग्रीन मुंबई, क्लीन मुंबई, ये सब चीज़ को ढाक दिया था, इस बारे में क्या? G20 इस मुंबई शहर में हो रहा है, इस महाराष्ट्र में हो रहा है। एक पोस्टर, एक बैनर कई महाराष्ट्र सरकार का है कि उनको वेलकम किया जा रहा है या उनका स्वागत किया जा रहा है। महाराष्ट्र इस देश में है कि नहीं? आज अगर हमारे घर में पूरी दुनिया के मेहमान आ रहे हैं तो सरकार की तरफ से कुछ कार्यक्रम होना चाहिए, कुछ उनके विज्ञापन होना चाहिए, कुछ है क्या? यानी क्या महाराष्ट्र को, मतलब कितना आप ये करोगे, नीचे ले जाओगे? तो ये थे असलम शेख जो हमसे बात कर रहे थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता। अभी और ऐसे हम आपको लाइव अपडेट दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से और दिग्गज नेता, कांग्रेस के हों, शिवसेना के हों, तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं। महाविकास अखाड़ी की तरफ से ये जो आंदोलन किया गया है, अब इसका अंजाम क्या होता है, ये देखने वाला विषय होगा। मौजूद कांग्रेस की वर्षा गायकवाड, उनसे बात करेंगे। मैम, ये मूर्छा कब तक चलेगा? ये मतलब ये मूर्छा कब तक चलेगा? हम इस मोर्चा में आए हैं, हम अपनी आवाज यहाँ से उठाने वाले हैं। अगर आपकी मांग नहीं पूरी हुई तो ये मूर्छा कब तक चलेगा? ये मांग नहीं पूरी गई तो आने अगला कदम क्या? हमारा कदम यही रहेगा कि आवाज हम लोग विधानसभा में भी उठाएंगे। तो जैसा कि ये तो वर्षा गायकवाड़ जो हमारे साथ बात कर रहे थे, अभी आगे हम और दिखाते रहेंगे, पूरा लाइव अपडेट दे रहे आपको कि किस तरीके से भारी सैकड़ों की संख्या में ये महामूर्छा में पब्लिक मौजूद है। अब देखने वाले विषय का इस मूर्छे का सफल होता है कि नहीं होता है। Thank you.
ऐसी और अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आर ए टी वी न्यूज़ वीडियो जर्नलिस्ट नया शेख के साथ आर ए टी वी न्यूज़ महा